जहां सरकार एक तरफ शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से ही शिक्षक की ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आना चिंता का विषय है। ताजा मामला प्रतापपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला चितकापारा का है। यहां पदस्थ शिक्षक चंद्रधन सिंह शराब के नशे में स्कूल आते हैं और बच्चों को उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं। शिक्षक को बच्चों का भविष्य निर्माता माना जाता है और अगर शिक्षक ऐसा हो जिसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम तक पता ना हो तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे शिक्षक से पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा। प्रिंसिपल लिखना है आपको इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड पे। प्रिंसिपल कैसे लिखते हैं, लिख के बताइए। बुक देख के नहीं सर, प्रिंसिपल लिख के दिखाइए। मैं बोल रहा हूं सिर्फ प्रिंसिपल। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रही। अच्छा एप्पल लिख के दिखाइए, एप्पल इंग्लिश में एप्पल। हाँ तो मतलब बड़ा अक्षर में छोटा जो आपको अच्छा लगे उसमें लिख के दिखाइए एप्पल। अच्छा एलिफेंट लिखिए। एलिफेंट चलिए अब आप लिखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम हिंदी में लिखिए, हिंदी में। चेंज हो गई। हाँ तो नाम लिखिए सर, उनका नाम लिखिए, क्या नाम है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम लिखिए, पता है आपको। पता तो है सर। तो लिखिए गया। अच्छा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का नाम लिखिए। मालूम नहीं है जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम लिखिए इंग्लिश में। शिक्षा विभाग ने विकास खंड तथा संकुल स्तर पर कई अधिकारियों की स्कूलों में निरीक्षण के लिए नियुक्ति कर रखी है, फिर भी आखिर इन अधिकारियों की नजर ऐसे शिक्षकों पर क्यों नहीं पड़ती। आखिर बीईओ साहब का संरक्षण ऐसे शिक्षकों को क्यों प्राप्त है। जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात तो कर रहा है, परंतु यहाँ बड़ा सवाल यह उठता है कि आज तक इनके द्वारा ऐसे शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैं इसकी तह तक जाऊंगा और यदि संबंधित प्रकरण की सच्चाई आती है सामने तो निसंदेह उसके पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आला अधिकारी इस तरह के शराबी शिक्षकों पर किस तरह की कार्रवाई करती है। INN 24 के लिए सूरजपुर से देवेश दुबे की रिपोर्ट।